गुड इवनिंग सभी लोगों को हम लोग आज न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण को या भारतीय दर्शन में जो प्रमाण की अवधारणा है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या अवधारणा है हम उन विषय वस्तुओं को देखने का प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में प्रमाण की क्या अवधारणा है और विशेष तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या अवधारणा है प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या अवधारण अवधारणा है तो इस टॉपिक के अंतर्गत न केवल हम भारतीय दर्शन में समग्रता से प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे बल्कि प्रमाण के प्र, प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार उनके हर भावों को पढ़ेंगे उसके बाद चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में क्या कहा उसके बाद चार जैन धर्म ने क्या कहा बौद्ध दर्शन ने क्या कहा सांख्य और योग में इसकी क्या वर्णन है इसके साथ न्याय और वैशेषिक दर्शन में इसकी क्या वर्णन है इन सभी विषय वस्तुओं का हम सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए इसके सारे भाव को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण से विषय वस्तु किस तरीके से है मैं हमेशा आप लोगों को एक फॉर्मेट में पढ़ाया हूँ जिससे न केवल आप कोई ज्ञान विकसित हो बल्कि इस विषय वस्तु में सूक्ष्मता से सारित भाव में आपका एक लिखने के शैली एक व्यापकता से देखने का दृष्टिकोण भी प्राप्त हो तो दोनों विषय वस्तुओं को देखते हुए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि कॉपी पेन लेकर और उस चार्ट को विधिवत भाव में बनाएं और उसका एक एक डायमेंशन सुक्ष्मा से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि जितनी अच्छी आपकी समझ होगी उतने भावों में उतने तरीके से प्रमाण की प्रगाढ़ता आपको स्पष्ट रूप में समझ में आएगी तो हमारा ये चार्ट अब होगा भारतीय दर्शन में यहाँ पर पहले हेडिंग होगी भारतीय भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण तो भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या अवधारणा है कैसे हम चलेंगे तो उस विषय वस्तुओं को हम थोड़ा सा देखते चलेंगे भूमिका में हमेशा इस तरीके से बताया भूमिका भूमिका में किन किन विषय वस्तुओं को हम समझेंगे देखेंगे तो देखो भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष विषय वस्तुओं को सर्व सर्वाधिक महत्व देता आया है यानी न केवल आध्यात्मिक के आध्यात्म क्षेत्र में बल्कि यथार्थता के क्षेत्र में भावपूर्णता के क्षेत्र में भौतिकता के क्षेत्र में भी हम प्रत्यक्ष विषय वस्तुओं का अधिक महत्व देते आए हैं तो यहाँ पर होगा क्या कि समग्रता में देखा जाए तो प्रत्यक्ष का स्वरूप भौतिक रूप में भौतिक स्वरूप में स्वरूप में, स्वरूप में आध्यात्मिक स्वरूप में आध्यात्मिक स्वरूप में आध्यात्मिक स्वरूप में नैतिक स्वरूप में नैतिक स्वरूप में ज्ञान की ये तीनों स्वरूपों में ज्ञान की प्रगाढ़ता का ज्ञान की ज्ञान की प्रगाढ़ता प्रगाढ़ता का संपूर्ण आधार है संपूर्ण आधार माना जाता है आधार माना जाता ये भारतीय दर्शन में इसका आधार स्तंभ सिद्धांत है जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण को भौतिक आयाम में आध्यात्मिक आयाम में नैतिक आयाम में ज्ञान प्रगाढ़ता का वास्तविक आधार माना जाता है अब हम पहला इसका अर्थ समझेंगे अर्थ यहाँ से इसको खींच के ऐसे मैं हमेशा अपनी किताब में भी फ्लो चार्ट बना के एक एक चीजों को रखा हूँ और यहाँ भी वही करता हूँ अर्थ अर्थ प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा हम थोड़ा सा देखें अर्थ तो कहा गया है कि इंद्रियों इंद्रियों के सन्निकर्ष से सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्राप्त होने वाला ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान ही प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष कहलाता है प्रत्यक्ष कहलाता है जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें एग्जांपल के तौर पर देखें एग्जांपल के तौर पर देखें उदाहरण उदाहरण के तौर पर देखा जाए उदाहरण के तौर पर देखा जाए आप लोगों को समझ में आएगा कि जैसे कई उदाहरण हम अपनी आंखों से भौतिक वस्तुओं को देख सकते हैं जैसे ये क्या है यह भौतिक वस्तु है मेरे हाथ में मार्कर है ठीक है पहला एग्जाम्पल मेरे हाथ में हाथ में पेन है ठीक नॉइज बंद करो ना हाँ। तो उस उधर आ गया ना उधर बैठो मेरे हाथ में पेन है यह प्रत्यक्ष हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है यह भी एक क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है ठीक है अप्रत्यक्ष की कई चीजें होती हैं ठीक प्रत्यक्ष मानसिक भी चीजें होता है कि मैं ट्रेन से एक जगह गया था तो एक विषय वस्तुओं को देखा था लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या होता है जो सामने है मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक कैमरा है ठीक है तो ये कैमरा हमारे सामने है ये हमारा प्रत्यक्ष है कि कैमरे से हमारा साक्षात इंद्रियों का सीधा सीधा संवाद हो रहा है तो इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ठीक है जो आंखों की इंद्रियों से सीधा सीधा संवाद हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं अब प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए दो विषय वस्तुओं की जरूरत होती है उदाहरण हो गया दूसरा उदाहरण के राम वहां राम मेरे सामने खड़ा है सामने खड़ा है खड़ा है मैं तो से अधिक बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा रहा, रहा हूँ ठीक ये सारे एग्जाम्पल है अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष के भाव ठीक है प्रत्यक्ष के भाव यानी तीसरा चीज लिखेंगे प्रत्यक्ष के भाव प्रत्यक्ष के भाव अब प्रत्यक्ष के भाव में हम किन विषय वस्तुओं को देखेंगे तो प्रत्यक्ष के भाव में हम दो वस्तुओं को देखेंगे पहला क्या होगा अनुभव पहला होगा अनुभव 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 और दूसरा होगा स्मृति स्मृति प्रत्यक्ष में दो चीजों का भाव होना बहुत आवश्यक है पहला है अनुभव और दूसरा है स्मृति यानी ये हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष के दो भाव प्रभाव यानि दो भाव से ही प्रकार निकलते हैं ठीक है अनुभव मतलब साक्षात साक्षात साक्षात्कार साक्षात्कार अनुभव मतलब साक्षात साक्षात्कार स्मृति मत मतलब देखी हुई वस्तुओं पर देखी हुई वस्तुओं के आधार पर साक्षात्कार आधार पर साक्षात्कार देखी हुई सुनी हुई सुनी हुई सुनी हुई दोनों हो सकता है ठीक है ये स्मृति का भाव होता है अब देखो यहीं से प्रकार भी निकलेगा प्रत्यक्ष का प्रकार निकलेगा यहाँ से यहाँ से निकलेगा यथार्थ ज्ञान यहाँ से निकलेगा यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान का बोध होता है ठीक है और यहां से होता है अयथार्थ ज्ञान का अर्थ ज्ञान का और यथार्थ ज्ञान का अब इन दोनों को समझना जरूरी है तो यानी कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य है कि यह प्रत्यक्ष का यह प्रत्यक्ष के भाव को उजागर करने में लगा है तो कहीं ना कहीं यह अनुमान के तरफ अनुमान की तरफ ले जाने में हमारे भावों को दिखाने का काम करता है अब यहाँ पर देखें अब यहाँ पे थोड़े से अलग चार्ट के रूप में हम चलेंगे तो छोड़ेंगे यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का, का स्वरूप ज्ञान का स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप में हम दो पढ़े यथार्थ ज्ञान पढ़े यथार्थ ज्ञान का मतलब जो हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से होता हुआ आया है उसे यथार्थ ज्ञान कहा गया ठीक है जहाँ हमारी इंद्रियों का साक्षात हमारे ज्ञान से साक्षात्कार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं दूसरी विषय वस्तुएं आएंगी अयथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान हमने देखा तो हम दोनों के भाव देखेंगे कि यथार्थ ज्ञान में हमें किस प्रकार की चीजें प्रकार मिलेगी तो प्रत्यक्ष का दर्शन होगा ठीक है अनुमान होगा अनुमान होगा अनुमान से होगा ठीक है शब्द प्रमाण के द्वारा होगा ठीक है उपमान होगा उपमान होगा ठीक है उपमान होगा यहाँ पर दूसरा ये क्या है कि अयथार्थ ज्ञान में हम देखें तो अयथार्थ ज्ञान में भी हमें कई प्रकार के भाव देखने को मिलेंगे अयथार्थ ज्ञान में हमें कितने प्रकार के भाव देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हम देखें संशय भ्रम तर्क संशय संशय ब्राम, ब्राम, तीसरा तर्क तर्क, तर्क। अब यहाँ पर देखो दो चीजें निकल के आती है प्रत्यक्ष ज्ञान से दो चीजें निकल के यथार्थ ज्ञान से आती है तर्क में ठीक है ठीक यहाँ से अब दो चीजें निकल कर आती है यथार्थ ज्ञान से हमें दो चीजें निकल कर आती हैं हम उसे देखने का प्रयास करेंगे ठीक तो यथार्थ ज्ञान की नेक्स्ट कड़ी है उसको हम ऐसे लिखेंगे यथार्थ ज्ञान एक एक चीज आप समझते चलिएगा यथार्थ ज्ञान दो प्रकार से होता है एक प्रकार इधर और एक प्रकार इधर ठीक यथार्थ इसको कहते हैं लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अलौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष।, प्रत्यक्ष ये दो भाव है लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अलौकिक पर प्रत्यक्ष ठीक है लौकिक प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि छह इंद्रियों से सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है लौकिक मतलब इस इस दुनिया में यानी भौतिक दुनिया का ज्ञान भौतिक दुनिया का ज्ञान भौतिक दुनिया का ज्ञान भौतिक दुनिया का ज्ञान यह पूरा का पूरा आपको न केवल सेकेंड पेपर में काम करेगा बल्कि फर्स्ट पेपर में भी काम करेगा आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान दुनिया का ज्ञान आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान ये चीजें हैं अब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों चीजों का लौकिक ज्ञान लौकिक ज्ञान का हमेशा प्राप्ति हमारी छ इंद्रियों से यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है प्राप्त ज्ञान होता है और इंद्रिया हमारी दो हैं इंद्रिया हमारी दो हैं पहले को कहते हैं बाहरी इंद्री बाहरी इंद्रिय और दूसरे को कहते हैं आंतरिक इंद्री इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत मन आता है इसके अंतर्गत मन आता है है और इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आख, आख कान, नाक आख कान आख कान नाक जीभ मतलब जीभ और त्वचा अच्छा एक दो तीन चार पाँच और यह छ यानी टोटल इंद्रिया कितनी होती हैं, तो इंद्रिया छ होती है इसे बाह्य इंद्रिय कहते हैं इसे आंतरिक इंद्रिय कहते हैं इसे न केवल भारतीय दर्शन बल्कि पाश्चात्य दर्शन के लोग भी सूक्ष्मता से स्वीकार करते हैं तो हमें इन विषय वस्तुओं को ध्यान से देखना होगा समझना होगा कि यह क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से हमारा संयोग होता है ठीक है सीधा सीधा कहा जाता है कि इंद्रियों के संयोग से ही ज्ञान को क्या कहते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन प्रकार के ज्ञान होंगे ठीक है यहाँ पर सामान्य लक्षण सामान्य लक्षण लक्षण का ज्ञान सामान्य लक्षण का ज्ञान जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से देखने को मिला ज्ञान लक्षण का ज्ञान ज्ञान लक्षण का ज्ञान ज्ञान लक्षण और तीसरा होता है योगज लक्षण योगज लक्षण योगज लक्षण तो देखिए सामान्य सामान्य लक्षण सामान्य लक्षण का इस इस तरीके से इस इंद्रियों के द्वारा होता है जहाँ बाहरी आंतरिक इंद्रिया सारी विषय वस्तुएं हमें देखने को समझने को जानने को मिलती है मानस लक्षण सामान्य प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत ही आते हैं तो हम इन विषय वस्तुओं को देखते हुए समझेंगे ठीक है कि यह किस तरीके से है ठीक है इन दोनों के संयोग से ही हमें सन्निकर्ष का भाव होता है लौकिक ज्ञान का और लौकिक ज्ञान के बीच के जो संबंध होता है उसी तरीके से हमें प्राप्त होता है तो हम आगे कुछ चीजें फिर पढ़ेंगे आगे के तहत हम पढ़ेंगे लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष की अवधारणा और लौकिक प्रत्यक्ष की अवधारणा में हमने बताया आपको कि इंद्रियों के सहयोग निकर्ष से जो चीजें प्राप्त होती है उसे कहते हैं तो एक प्रकार से बाहरी इंद्रियां और दूसरी तरीके से आंतरिक मन में आंतरिक मन किस तरीके से जोड़ने का काम करता है हम वहां पर देखेंगे तो पहले लिखेंगे बाहरी इंद्रिय बाहरी इंद्रियो से प्राप्त ज्ञान से प्राप्त ज्ञान बाहरी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ठीक है ये हो गया दूसरी समन्वय संबंध संबंध इनके बीच हमारी चीजों का क्या संबंध होता है क्या जुड़ाव होता है हम उन चीजों को देखेंगे जानेंगे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह क्या की चीजें हैं जैसे हम देखते हैं कि आँख यहाँ पर लिखते हुए एक एक चीज को चलेंगे और मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे आँख 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 का काम क्या होता है देखना आ का काम होता है देखना सुंदर से हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से वे देखें बाह्य ज्ञान इंद्रियों के आधार पर कान का कान का, का काम क्या होता है करना। श्रवण श्रवण करना श्रवण करना श्रवण करना मतलब सुनना श्रवण करना मतलब सुनना भी लिख सकते हैं सुनना सुनना श्रवण का शुद्ध हिंदी रूप है और सुनना इसकी बोलचाल की भाषा है इसके जैसे चक्षु देखने को चु बोलते हैं ठीक है नाक का, का काम क्या है नाक नाक का शुद्ध है ठीक है इसका हिंदी आज आम बोलचाल की भाषा में सुधना सुंघना इतना सूक्ष्मता से न केवल यह चैप्टर आपको सेकेंड पेपर में काम करेगा लेकिन फर्स्ट पेपर में प्रमाण के तहत एक नया टॉपिक जोड़ा गया है कि भारतीय परिपेक्ष में कितने प्रमाण हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के हर भाव को सूक्ष्मता में दिखाने का प्रयास करेगा तीसरा है जीभ जीभ इसको रसना, रसना जीवर रसना। स्वाद लेना इसका काम क्या होता है स्वाद लेना स्वाद लेना जीव का काम क्या होता है स्वाद लेना उसके बाद होता है त्वचा 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 का कार्य क्या है स्पर्श स्पर्श करने से छूने से जो भाव होता है उसे कहते हैं संपर्क संपर्क करना संपर्क करना ये भाव होते हैं और इन भावों से जो एक प्रकार से हमें संयोग होता है संबंध होता है उस संबंध को हम देखें कि वह संबंध किस प्रकार से है तो वह संबंध भी अलग अलग प्रकार के सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से न्याय फिलोसफी से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो यहाँ ध्यान से देखने लायक है समझने लायक है कि आखिर वह क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से है पहला होता है संयोग, 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 संयोग का मतलब क्या होता है आंख से घड़े को देखना आंख से जैसे आंख से इस बोतल को देखना ठीक है आंख से मतलब सीधा संबंध ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर मेरी किताब में ये चीजें हैं आँख का आँख का बोतल के साथ संबंध बोतल के साथ संबंध अब पीने वाला बोतल नहीं दारू नहीं दारू नहीं नॉर्मल ये पानी पीने वाला बोतल की बात कर रहे हैं कृपया गलत ट्रैक पे ना पकड़े आप लोग ठीक है उसके बाद होता है संयुक्त संवाद दूसरा होता है ये पहला हो गया दूसरा होता है दूसरा होता है संयुक्त संयुक्त संवाद संयुक्त संवाद संयुक्त संवाद का मतलब क्या होता है कि वस्तु से उसकी वास्तविकता यह जैसे मार्कर है मार्कर क्या है लाल और वाइट कलर का है किसका कलर का है लाइट और कलर का तो मार्कर के साथ जो लालिमा और सफेदी है उसका भाव यानी एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो मार्कर का मार्कर के साथ लाल लाल रंग का हुन का का हुन मार्कर के साथ लाल रंग का होना ठीक है ये होता है संयुक्त संवाद ठीक है संयुक्त संवाद समवाद होगा यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं संवाद का मतलब ये संवाद जाएगा हम हा? हम पढ़ने वाले हैं संवाद संवाद मतलब संबंध तीसरा क्या होता है इसे हम देखें तीसरा क्या होता है इसे हम देखें कि यह क्या चीजों को उजागर करता है ठीक है तो सवे तस् सह सवेत इसमें क्या होता है कि इसके लालिमा को महसूस करना ठीक है घड़े में लाल तत्व जैसे एग्जाम्पल में घड़ा ले लें एग्जाम्पल में घड़े में घड़े घड़े में लाल लाली मा को महसूस करना महसूस करना घड़े में लालिमा को महसूस करना क्या होता है लाल तत्व का उजागर करने का प्रयास करता है तो इन विषय वस्तुओं को समझना जानना बहुत ज़रूरी होता है आवश्यक होता है तो इनको देखेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे ठीक है अब तीसरा होता है समवाय संबंध इसमें यही चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है समवाय अब यहाँ पर हम देखें यहाँ पर दो भाग निकला तो समवाय चौथा होगा यहाँ पर आप चार नंबर कर लीजिएगा यहाँ पर समवाय 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 का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये यह देखिएगा जैसे घड़ा का एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर घड़ा का मिट्टी में मिट्टी घड़ा का मिट्टी के साथ संबंध मिट्टी के साथ संबंध संबंध घड़ा का मिट्टी के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं एक प्रकार से समवाय संबंध कहते हैं तो होता है समवेद समवाय दूसरा होता है समवेत पांचवा यह चौथा होगा, होगा अब पांचवा समवेत, समवेत, समवा ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल में यूजीसी नेट के एग्जाम में लगभग एट्टी परसेंट न्याय फिलोसफी से क्वेश्चन पूछता है एट्टी परसेंट तो इसी में उलझा देता है इसी लगभग लड़के एट्टी परसेंट लड़के इसी में क्या करते हैं उलझ जाते हैं और जो उलझते हैं उनका बुरा पीटे जाते हैं तो कभी हमें करना क्या है कि इन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखते हुए समझते हुए चलना है कि आखिर ये है क्या और उसके बाद इनका संबंध किस तरीके से है ठीक है इसीलिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके सूक्ष्मता से समझाएं समवेद समवा समवेद समवाय का मतलब क्या होता है मूल आमूलचूल भावों को संबंध में जोड़ना ठीक है और उसके बाद विशेष विशेषर यानी घड़ा के साथ हमारा संबंध क्या है या हमारा बॉटल ये हमारे किस काम आ रहा है बॉटल है पानी पिलाने के आया तो क्या क्या हमारी प्यास बुझाने के काम आया तो ये बोतल का काम क्या है हमारी प्यास बुझाना तो इस भाव को संबंध को समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो इन चीजों को देख लीजिएगा समवेद समवाय हो गया उसके बाद हो गया विशेषण विशेष विशेषण विशेष, विशेष विशेष समाय तो इन चीजों को हमें ध्यान से देखने का प्रयास किए आगे चलकर आगे चलकर यहीं से अब अवस्था के आधार पर अवस्था की आधार पर आधार पर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अवस्था के आधार पर प्रत्यक्ष प्रमाण देखे तो अवस्था के आधार पर प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होगा सविकल्पक और निर्विकल्पक अवस्था के आधार पर प्रमाण दो प्रकार का होगा सविकल्पक सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण निर्विकल्पक सप्रत्यक्ष प्रमाण अब यहाँ पर हम देखेंगे ठीक है दोनों गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन में इसकी सूक्ष्मता से परिभाषा गौतम ऋषि देते हैं गौतम ऋषि देते हैं ठीक है गौतम ऋषि गौतम ऋषि ये इनकी न्याय दर्शन के संस्थापक है प्रवर्तक के रूप में तो दोनों का देते हैं यहाँ भी गौतम ऋषि इसको भी मूल्यांकित करते हैं गौतम ऋषि ठीक है तो इस भाव, भावों को समझना है और हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं ठीक है तो देखने की दूसरी अवस्था यानी विकल्पक में क्या होता है कि एक प्रकार की अवस्था होती है जहां हम देखते हैं अर्थात इसीलिए कहते हैं कि देखने की दूसरी अवस्था का नाम क्या है यानी देखने की दूसरी अवस्था दूसरी अवस्था देखने की दूसरी अवस्था का नाम क्या है सविकल्प जहाँ कोई वस्तु के आधार पर हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर सीधा संवाद होता है सीधा संवाद होता है संवाद होता है किसी विषय वस्तु का बीच में, में मेल मिलाप नहीं होता है स्विकल्पक मतलब किसी वस्तु के साथ देखना और निर्विकल्पक का मतलब बिना किसी विषय वस्तु का उस वस्तु को सूक्ष्मता से अवलोकन करना क्या कहलाता है स्विकल्पक कहलाता है ठीक है तो ये विषय वस्तुएं हैं अब इसमें कुछ चीज़ें हैं तो हम देखेंगे ठीक है पहला क्या है कि नाम जाति आदि वस्तु का ग्रहण करने का बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है इससे क्या होता है इससे नाम जाति वस्तु आदि का बड़ा ज्ञान जैसे बड़ा ज्ञान होता है यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे नाम जाति का नाम हम क्या है इस शरीर का क्या नाम है ये सीधा सीधा कपड़ा पहने काली चिट्ठी जो शरीर आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है इसका ये किससे जानी जाती है तो अवधेश नाम अवधेश एक जाति नाम है ठीक है अवधेश एक नाम है इस नाम से हमारी पहचान है इस शरीर इसको ना क्या बोलते हैं इसको हम अवधेश कहते हैं ठीक है ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिक की संरचना ठीक है जिसमें हम पानी ऊपर नीचे कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं बोतल कहते हैं तो इसका नाम क्या है बोतल तो इसकी पहचान किससे होती है बोतल से होती है अब देखिए इस पे विशेलरी का टैग लगा है ठीक है बी का टैग लगा है तो बी इसकी क्या हो गई ब्रांड हो गई यानी इसकी जाति हो गई तो जहां नाम और जाति के साथ किसी विषय वस्तु को समझने और जानने का प्रयास किया जाता है वो उसकी आइडेंटिटी को दर्शा रहा है ठीक है भाई तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण में इन नाम और जाति के भावों को दिखाने का प्रयास कर रहा है हम किस चा, हम हिंदू धर्म के एक बड़ा सुंदर टैग लिखा आज मैं दोपहर में फेसबुक खोला था तो एक बड़ा सुंदर टैग लगा मिला था मुझे कि अमेरिका के लोग टैलेंट देखते हैं मतलब ज्ञान देखते हैं चाइना के लोग हुनर देखते हैं और भारत के लोग जाति देखते हैं यानी हमारी पहचान किसे है ठीक है हमारी पहचान किससे है तो जाति से है हम यादव जाति के हैं वो भी हमारा जाति प्रमाण देख कर हमारी आइडेंटिटी का परखा जाता है कि हमारा काम क्या होगा हम किस प्रकार के काम कर सकते हैं हम कहाँ पे रह सकते हैं हम श्रेष्ठता पे हैं या निम्नता पे हैं हमारे सारे पैमाने किस पे तय होते हैं हमारी जात के आधार पे है बड़ी दुख की बात है कि भारत जैसे देश में अनेक ऐसे विद्वान हुए जो इन जाति व्यवस्था की धज्जिया उड़ाए ठीक है।, है उनका खंडन किए ठीक है।, है हम बार बार पढ़ते हैं ऐसी भी बात नहीं है लगभग नाइन्टी परसेंट तो लोग उनको पढ़ते हैं सुनते हैं जानते हैं उसके बावजूद भी हम उसी में जीते हैं यथार्थता तो यही है कि भारत में लोग जाति में पैदा होते हैं जाति में मर जाते हैं जाति से ही हमारा वजूद है जाति से ही हमारा वसूल है जाति से ही हमारा स्वाभिमान है ये हमारी किए लोग तथा कथित देश में दो प्रकार के लोग इस समय बहुत घातक है एक एक वर्ग ऐसा है जो पढ़ा ही नहीं है केवल हवा बन के वो हुआ हुआ जैसे सियार होते है ना बोलते हुआ हुआ तो वो केवल हुआ हुआ बोलने का काम कर रहा है और एक बल है कूपड़ कूपड़ का मतलब कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट वह इस तरीके से पड़े हैं एक झूठ को इतना लंबा चौड़ा फैला दिया जा रहा है झूठ को इतना लंबा चौड़ा फैला फा, फा, दिया जाता है कि सब लोग यकीन करने लगते हैं कि सही यही हो सकता है जिस तरीके से भारत में कुछ कुरीतियां सामाजिक कहती जाती थी पहले के जमाने में क्या था कि उसको एक प्रचलन था जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सती प्रथा सती प्रथा एक प्रकार से भारत की आइडेंटिटी होती थी महिलाओं की सम्मान होता था यदि कोई महिला अपने पति के साथ सती हो जाती थी तो वो सती माता कहलाती थी उसका स्थान देवी का होता था। होता था, था। आज जो औरत अपनी पति के साथ सती नहीं होती वो कुलक्षणी अच्छा होती थी तो इस प्रकार की जो आइडेंटिटी किसने बनाया आज के परिपेक्ष में देखा जाए तो यह पूरी गलत है अवधारणा एक समय प्रचलन थी अवधारणा थी लोगों के विश्वास का हमारी संस्कृति का हमारी सभ्यता का हमारे गुरूर का हमारे घमंड का प्रचलन था परिपक्वता थी तो कहने का मेरा बस यही तरी है कि समय के साथ हर विषय वस्तुओं को बदले अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में लगाएं वर्तमान परिदृश्य के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने को ढालना जीवन है सबके साथ पूर्ण रहना धर्म हमसे है हम धर्म से नहीं है मैं बार बार कहता हूं कि धर्म हमसे है हम धर्म से नहीं है ठीक है तो कुरीतियों को छोड़ो कुपण लोगों से बचो अनपढ़ों को समझाओ ठीक है हमारे देश की विडंबना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था साक्षर बनाती है शिक्षित नहीं बनाती है हमारी देश की जो शिक्षा सिस्टम है, वह साक्षर बनाने के काम करती है शिक्षित शिक्षित और साक्षर में अंतर क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ शिक्षित का मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि हम किसी विषय वस्तु के बारे में प्रगाड़ता से एनालाइसिस करने का दृष्टिकोण होता है एक शिक्षित व्यक्ति का कार्य होता है और साक्षर व्यक्ति का काम क्या होता है कोई वस्तु को सुना और उसी को अमल कर लिए कि हाँ ये चीजें होती है वहाँ दिमाग नहीं लगाता है जैसे एक चींटी गई ना वो कहते हैं कि एक चींटी मरी तो सब के सब मरेंगे ठीक है तो चींटियों के हमारी जो शिक्षा व्यवस्था आज की बन गई है वो हमें शिक्षित नहीं बनाती है साक्षर बनाती है इसीलिए देश का दुर्भाग्य है सौभाग्य नहीं देश का आज दुर्भाग्य शिक्षा जगत में मात्र एक परसेंट लोग डॉक्टरेट हो पाते हैं वो भी खींचान उसके बावजूद भी उन्हें हर चीज नहीं है ठीक है और रिसर्च के दौरान तार्किक दृष्टिकोण सीखने को मिलता है आप वहां पर उठाए तो लोग कहते क्या है कि थोड़ा सा पढ़ लिए तो ज्यादा बुद्धि के जानकार हो गए तो ये तमाम प्रकार की चीजें आएंगी तो हमारी पहचान क्या होती है नाम और जाति से होती है ये बात नहीं है कि लोग कुपड़ वाले क्या कहते हैं कि शास्त्र पढ़ लो देखो लिखा है अरे गदहो कुपड़ लोग तुम वो खुद नहीं पाता है जिन शास्त्रों की बात कर रहे हो उनका आधार ही वैज्ञानिक है चाहे भू श्रीमद भगवत गीता पढ़ो पचासों बार से ऊपर मेरी पढ़ी हुई किताब है उसमें स्पष्ट लिखा है ना इन कुपणों को समझना चाहिए लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन चारों वर्णों की उत्पत्ति हमने ही किया है इसका आधार गुण कर्म है यानी जो विभाजन होता है गुण और कर्म के आधार पर है आपका गुण अच्छा है कहा गया है कि हम बचपन से शूद्र हैं ठीक है हम अपने गुणों से कर्मों से श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं ब्राह्मण का मतलब पंडित जी नहीं होता है ब्राह्मण कुल में पैदा होना नहीं होता है ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मत्व को जो समझ लिया वो ब्राह्मण होता है तो अपनी अंदर की बुराइयों को छरण करके संपूर्ण भा देश का संपूर्ण क्षेत्र का रक्षा करे उसे छतरी कहते हैं लोग कहते हैं छतरी है अरे छतरी का मतलब तो समझ ले रहे पढ़ लोग ये चीजें नहीं पढ़ते हैं और दोष देते हैं कि शास्त्र में लिखा अरे घर जिन आज सबसे बड़ी समस्या है ना कि वो पढ़े लिखे वो तो पढ़े नहीं है जो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ लो और जो सामने वाला सुनने वो देखा नहीं है

पूर्वजों में स्वामी विवेकानंद इन्हीं शास्त्रों को पढ़ के वो हुए। हमारे गांधी जी वो इन्हीं चीजों कहते थे गांधी हमेशा कहते थे कि जिंदगी में जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते थे तो ठीक उसी प्रकार गीता माता की शरण में जाते थे जब एक नन्हा सा प्यासा सा बालक प्यास के लिए पानी पीने के लिए अपनी माँ के तरफ जाता है और माँ दूध पिलाकर उसकी आंतरिक भाव को संतृप्त कर देती भाव को समझो भाई ये जिस भावा को समझोगे ना है वास्तविक साक्षरता दृष्टिकोण होने का, का ज्ञान हम उनको डेली पढ़ते हैं हम बहुत बार से पढ़े लेकिन हम जब इम्प्लीमेंट नहीं आता हमारी सबसे बड़ी करनी हमारी कथनी और करनी में अंतर है और जब तक कथनी और करनी में अंतर होगा तब तक सर्वनाश होगा जिस दिन कथनी और करनी में एक होगा सर्वश्रेष्ठता बढ़ेगी सभी का विकास बढ़ेगा यही होता है ज्ञान की भगवान की दुआ है बोले मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ ये नहीं कहता हूँ कि ईश्वर में नहीं आस्था मैं ईश्वर की आलोचना करता हूँ नहीं शास्त्रों को भी मैं मानता हूँ शास्त्रों वास्तविक ज्ञान हमने सब कुछ पढ़ा लेकिन वास्तविक ज्ञान शास्त्रों में मुझे दिखा ठीक है वास्तविक ज्ञान आपको भी शास्त्रों में दिखेगा एक चीज जरूर कहूंगा हर व्यक्ति को समय निकाल कर श्रीमत भगवत गीता पढ़नी चाहिए इसलिए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई इसलिए मत पढ़े ना कि वो केवल हिंदू धर्म की ग्रंथ है नहीं इसलिए मत पढ़े ना कि भगवान द्वारा कही मोक्ष मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा गीता ही दी ऑफ लाइफ हाउ टू सरवाइव इन द सोसाइटी हम इसको लॉजिकल वे में देखें लॉजिकल वे वे में हम समझें हमारे हर अनुसूल्य हम सुलझ जाएंगे तो आज की क्लास में यही रहेगा कल आगे की क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अन्य भावों को सूक्ष्मता से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और बतलाएंगे कि किस तरीके से इनका संबंध है क्या क्या चीज़ें हैं तो आज के लिए यहीं तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच